हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, गर्भधारण की तैयारी जब करते हैं, कोई भी कपल सोचता है कि अब सही समय आ गया है, अब वो पूरी तरह से स्थिर हैं और अब उन्हें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें अपने जीवनचर्या में, अपने खान पान में ऐड करना चाहिए और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो जल्दी से जल्दी कंसीव करने में आपकी मदद करते हैं, आपकी बॉडी को तैयार करते हैं। कुछ शरीर में छोटी मोटी अगर कमियां हैं उसको भी वो पूरा कर देते हैं। तो पोषण का इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक्सट्रैक्ट है आपका शुक्र धातु, यानी कि आपके स्पर्म और एग। तो उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए। तो बहुत एक अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और आपको बहुत पसंद आने वाला एक जूस है, जिसको कि आप डेली ले सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके ना केवल फर्टिलिटी में बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी आपको है तो आइए देखते हैं कि क्या उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग सही से मैच्योर नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, यानी कि आपका ओवुलेशन समय से नहीं हो रहा, फैट बढ़ता जा रहा है, पीरियड्स बहुत हैवी आते हैं, पीरियड्स में बहुत क्रैम्प होता है, इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं हो रहा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन पाता, जब इम्प्लांटेशन का समय आता है एग रप्चर ही नहीं होगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना भी मुश्किल है। तो ऐसी सभी कंडीशन में पीसीओडी है, अगर आपको वजन बहुत ज़्यादा है, डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, पेट में एसिडिटी, हार्टबर्न, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, हेडेक बहुत होता है, आपको वीकनेस, खून की कमी हो, चाहे जनरल वीकनेस हो, वो सारी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप इसे जरूर लें, ये आपके लिए एक जादू की तरह काम करेगा। आइए जानते हैं कि इस चीज के, जो कि है कैरेट जूस, इसके क्या लाभ हैं, ये आपको किस तरह से फायदा पहुंचाएगा आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में या कंसीव करने में, ये आपकी किस तरह से मदद करेगा। सबसे पहली चीज महिलाओं के लिए कि अगर आप इसका सेवन करती हैं तो आपकी पीरियड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पीरियड के पहले दिन से 10 दिन तक इसको आप इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली नेक्स्ट जो पीरियड आपका आएगा उसमें आपको पेन बहुत ही कम होगा, बहुत ही आपका इजी जाएगा वो पीरियड। इसीलिए पीरियड्स ठीक करने के लिए, हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए आप कैरेट जूस जरूर इस्तेमाल करें। ये आपके वजन को नियंत्रित रखने में भी हेल्प करता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो भी आप कैरेट जूस ले सकते हैं। कैलोरीज में कम है लेकिन न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। कैरेट जूस आपकी ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है, आपके एग और स्पर्म को बहुत ज़्यादा समय तक हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप टैबलेट के फॉर्म में खाते हैं। अगर आप टैबलेट नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, तो गाजर का रस, कैरेट जूस आपके लिए बहुत ही पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए आपके एग और स्पर्म को लंबे समय तक हेल्दी बनाने में मदद करता है। इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है, जिसको कि फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, और ये एग और स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो एक कैरेट अगर आप खाते हैं एक दिन में, तो जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना विटामिन ए आपको मिल जाता है। तो आप 100 ml कैरेट जूस ज़रूर पिए, और अगर आपको कभी मुश्किल लगता है जूस बनाने में, तो आप एक कैरेट को भी खा सकते हैं, उससे आपको फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि जितने भी इस पर रिसर्चेज हुए हैं, स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कैरेट को बहुत अच्छा माना गया है। कैरेट जूस 8 हफ्ते तक कंटिन्यू अगर आप लेते हैं या फिर कैरेट को कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली एज ए सलाद, तो ये स्पर्म क्वालिटी पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अमेजिंग बेनिफिट आपको अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसी तरह बने रहे हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब मॉम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।